नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों जाकू राकेश आइयाँ मार सके ना कोई। जी दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी दोस्तों, आपने तो अपने जुनकाल में यह बातें कई बार सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 10 दिनों में आप सभी के जुनकाल में कुछ ऐसे ही घटनाएं मिलने वाली है, कुछ ऐसे ही संदेश आपको मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको चौंकाने वाले होंगे। यूँ कहें तो दोस्तों, जो बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो खुशखबरियां यश में आपको मिलने वाली है, जब दोस्तों इनके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। उससे पहले सर्वप्रथम जो भी श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय श्री राम। भगवान श्री राम की असीम कृपा आप सभी के जुनकाल पर आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, कि दोस्तों यश में आपके दुखद भरी घड़ी का कर्मों का फल मिलने वाले हैं। पिछले समय जो भी आपने मेहनत किए हैं, पिछले समय के जो भी आपके अच्छे कर्म हैं, यूँ कहें तो दोस्तों उनका ही भांडा यश में फूटेगा और आप सभी के जुनकाल को फिर से खुशियों से बिखेर देगा। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 10 दिनों में आप सभी के जुनकाल में जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। जी दोस्तों ये भगवान की ही मर्जी है जो कि यश में आपको इतनी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जहां भी खुशखबरियां होती है वहां पर किसी ना किसी का नज़र अवश्य होता है। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और यश में भी जब आपको इतनी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है तो कुछ लोग दोस्तों आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, आपके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यश में आपको भी थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि आने वाले 10 दिनों में जो घरों की स्थिति होगी, इनके अनुसार आपको कौन सी सावधानियों को रखने होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी यश में मिलने वाली है जो कि स्वयं ईश्वर ही आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में बात करेंगे, साथ ही आपके घर के माहौल में, पारिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से जो कि दोस्तों आप सभी को अपने जीवन काल में याद रखने हैं। ये दोस्तों याद रखिए कि दोस्तों आपको हर डूबते परिस्थितियों में ये बातें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने कि दोस्तों नसीब लिखा जा चुका है, मौत कहाँ आएगी तय हो चुका है, दाना पानी मुकर्रर हो चुका है, अब अगला जन्म कौन सा हो, 84 का चक्र या 84 से मुक्ति। दोस्तों यह तय आपके कर्मों ने करना है, यह तय आपके भजन सिमरन की गहराइयों ने करना है। बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए, प्यारे वक्त अभी भी है, जितना फायदा उठा सके उठा लें, उठ तो ऐसे ही जाना है इस जहां से। भजन सिमरन इस जग में हमारा पहला काम और शायद आखिरी भी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखें कि जहां भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो वहां दोस्तों ईश्वर का स्मरण करें कि दोस्तों भजन कीर्तन भक्ति भाव ही हमारे जीवन काल में कई समस्याओं का समाधान बन जाता है। तो दोस्तों हर विकट परिस्थितियों में आप ईश्वर का गुणगान भक्तिमय जरूर करें, दोस्तों आपकी समस्याओं का आपको समाधान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में ग्रहों की यह बदलती चाल और भगवान की मर्जी के अनुसार आपको कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों इसमें दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को भी इसमें दूर कर देगी। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद से आत्मिक शांति की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी रुचिपूर्ण कार्य को करने में समय व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको मानसिक तथा आत्मिक सुकून की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों अध्ययनरत विद्यार्थी आलस की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों इस समय आपको इससे सावधान रहना है। संतान से संबंधित गतिविधियों में भी ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। और दोस्तों ये जो समय है आपके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई उतना अच्छा आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके जो समय होंगे आपके हर निर्णय का परिणाम ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे किसी भी बात के बारे में बिल्कुल भी रिस्क ना लें, पैसे से संबंधित तनाव बना रहेगा, लेकिन दोस्तों किसी को जो है आपको मदद प्राप्त हो सकती है और ये जो आपके लिए फायदेमंद होगी।
लेकिन दोस्तों किसी की मदद आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों के साथ आपके प्रति गलतफहमी बढ़ने की वजह से आपको दुख भी हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि राजनीतिक तथा सामाजिक दायरा भी आपका इसमें बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में भी गति आएंगी। बस दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की समस्याओं के समाधान में आपका सहयोग उनके लिए बहुत अधिक उचित रहेगा। घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। शादी दोस्तों इसमें कुछ बुरी नीयत के लोग आपकी महानहानि और अपमान का कारण भी बनेंगे, इसलिए दोस्तों यश में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर ही रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट न कर दोस्तों पढ़ाई के प्रति ध्यान लगाएं, ये भविष्य के लिए आपके बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो बातें आपके साथ गलत हो रही है दोस्तों उन बातों के खिलाफ आवाज़ उठाना आपको इसमें सीखना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यश में आप अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाकर रखने की वजह से ना आप परिस्थिति में बदलाव देख पा रहे हैं ना ही विचारों में सकारात्मकता। तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की तरफ अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में बहुत ही व्यस्तम और फिर फायदेमंद दिनचर्या आपके लिए साबित होंगे। दोस्तों अपने उद्देश्यों का पूरा ध्यान रखें, अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। घर के रखरखाव तथा साथ सजा संबंधी कार्यों में भी खुशनुमा समय व्यतीत होने वाले हैं। कोई पुराना झगड़ा दोबारा उभर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों इसमें बेहतर होगा कि पुरानी बीती बातें वर्तमान पर हावी ना होने दें। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें। आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान भी आपको देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपने दायित्व के प्रभाव से जो लोग आपके खिलाफ हैं दोस्तों आपको बता दें कि उनको भी आपके पक्ष में आप कर पाएंगे। वो दोस्तों अपने ज्ञान का और अनुभव का पूरा इस्तेमाल इसमें आप कर भी पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मार्गदर्शक बनने के लिए वो दोस्तों यश में आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी और इसके द्वारा आपको मदद आनंद देगी दोस्तों और सम्मान भी आपको इसमें प्राप्त होगा। इस उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में खर्चे आपके सामने तो आएंगे, परंतु इसके साथ ही दोस्तों आय के स्रोत भी बढ़ने से आपकी आर्थिक समस्या कम हो जाएगी। और दोस्तों किसी सम्मेलन या फिर समारोह में जाने हेतु आपको आमंत्रण भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान की शिक्षा अथवा करियर को लेकर कोई चिंता आपकी दूर होगी। उसके बाद दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक होंगे। बेहतर होगा कि अपने निर्णय को ही सर्वोच्च रखें। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार में जो है सौम्यता अवश्य रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बार बार तकलीफों का सामना होने की वजह से आपके अंदर की जो सकारात्मक भावना है उनमें थोड़ी कमी हो रही है, जिससे दोस्तों आपको आगे बढ़ने में कमी हो रही है। साथ ही दोस्तों ऐसे में लोगों के प्रति विश्वास कम होने की वजह से खुद को आप थोड़ा अकेला महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मित्र परिवार से कोई आपकी मदद भी करना चाहता है, इसलिए दोस्तों जो लोग आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है उनको अपने व्यवहार से दूर न ढकेले, ये आपके लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों इन्वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े जो भी लोग हैं कोबड़ा काम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में नई पार्टियां और नए लोगों के व्यवसायिक संबंध स्थापित करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए यश में मशीनरी और अपने टेक्निकल संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। सरकारी सेवा के व्यक्ति सावधान रहें, दोस्तों किसी उलझन में भी आप यश में पड़ सकते हैं। व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध आपको विकसित होंगे, परंतु उनके उचित परिणाम मिलने में कुछ समय भी लगेगा। घर के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए इसमें फायदेमंद होगी, जिससे दोस्तों आपके अंदर आत्मिक खुशी की भी प्राप्ति होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों यश में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद घर परिवार के लिए आपको समय निकालना पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। दोस्तों किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण भी व्याप्त होगा। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरे का जो है हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें, ये आपके परिवार के लिए आपके लव लाइफ के लिए इसमें